नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। न्यूजीलैंड ने रविवार को T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के ग्रुप टू मैच में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया, जिससे भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। चलिए जानते हैं भारत T20 विश्व कप से बाहर होने के 5 बड़े कारण। नंबर 1, इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज तक टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कमाल की दिख रही थी। आईपीएल 2021 में सब कुछ चेंज हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाज और गेंदबाज फ्लॉप रहे। पाकिस्तान ने पहली बार भारत को विश्व कप में हराया। 10 विकेट से हार के साथ विराट कंपनी ने शुरुआत खराब की, यह एक कारण है। नंबर 2, विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल अभ्यास मैच में दमखम दिखाया। महत्वपूर्ण यानी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित और राहुल फेल हुए। ईशान किशन से ओपनिंग कराया गया, हार्दिक पांड्या फेल हुए। वरुण चक्रवर्ती कमाल नहीं दिखा पाए, एक भी विकेट नहीं लिया, यह भी एक कारण है। नंबर 3, टीम इंडिया के चयनकर्ता टीम चयन करते समय कुछ गलती की। दीपक चाहर को टीम में नहीं रखा, श्रेयस अय्यर पर भी विश्वास नहीं किया। चहल और कुलदीप यादव को बाहर किया गया। प्लेइंग 11 में 5 बल्लेबाज खेले, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी तक नहीं कर सके, यह भी एक मुख्य कारण है। नंबर 4, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अहम मैच में टॉस हारे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस हारे। पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 151 और न्यूजीलैंड के खिलाफ मात्र 110 रन बना पाए, बल्लेबाजों की कलई खुल गई। कोहली हमेशा टॉस हारने के मामले में भी पीछे रहे, यह भी एक मुख्य कारण है। नंबर 5, इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़ दिया। आईपीएल खेलने के कारण 5वां टेस्ट मैच नहीं खेले। इंग्लैंड से सीधा दुबई पहुंचकर आईपीएल में उतर गए। इसके बाद विश्व कप शुरू हो गया। बायो बबल की थकान और अत्यधिक क्रिकेट खिलाड़ियों पर भारी साबित हुआ, यह भी एक मुख्य कारण है। यह लगातार तीसरा अवसर है जबकि न्यूजीलैंड ने भारत की खिताब जीतने की उम्मीदों पर पानी फेरा। इससे पहले उसने वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।